नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पुरानी रंजिश में दो पक्ष भिड़े, चार जख्मी, दोनों पक्षों ने थाने में की लिखित शिकायत। वाराणसी बड़ादेव मोहल्ले में कुछ लोगों ने मारपीट कर चार लोगों को घायल कर दिया। पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई। घायलों को इलाज के लिए करीब चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने दशाश्वमेध थाने में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दिया है। बड़ादेव निवासी गुरु प्रसाद का अजित प्रजापति से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। मंगलवार को दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए। कहा सुने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि अजित और उसके साथियों ने मारपीट कर गुरु प्रसाद यादव, छेदी यादव, बचाव यादव, सोनी यादव को घायल कर दिया। सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इलाज के दौरान नर्स की मौत, दूसरी शादी करने वाले डॉक्टर पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा। पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में संविदान पर नर्स का काम करने वाली 25 वर्षीय पूजा पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मूल रूप से पंचोरा चुनार की रहने वाली पूजा शिवपुर में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसकी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। मंगलवार को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत पर पति ने शिवपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। पति पेशे से डॉक्टर है, वह निजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है। मौत की जानकारी मिलते ही पूजा के जीजा महेश कुमार निवासी गोलघाटा ने पूजा के पति डॉक्टर अनिल यादव के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत शिवपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। महेश ने बताया कि अनिल पहले से गई शादीशुदा था। पहली पत्नी ने उसे 9 माह का बच्चा भी है। उसने इस बात को छुपाकर पूजा से शादी किया था। पूजा का ससुराल कुआरी कला में है। शिवपुर पुलिस के तहरीर के आधार पर पति डॉक्टर अनिल यादव के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने पूजा के पति डॉक्टर अनिल यादव को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। पुणे में लगी भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत। साड़ी दुकान में आग लगने से 5 मजदूर की जलकर मौत हो गई। यह आग देवाची उड़ल स्थित राजयोग साड़ी सेंटर में तड़के लगी। दरअसल चोरी के डर से दुकान में बाहर से ताला लगा हुआ था। यह आग इतना भीषण था कि अंदर मौजूद 5 मजदूर की जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना बेहद दर्दनाक है। अंदर मौजूद मजदूरों की मौत दम घुटने से व जलकर हुई। सासवड रोड पर स्थित देवाची उर्ले में राजयोग साड़ी सेंटर है। इस दुकान में 5 मजदूर रात को सोए थे। दुकान पर बाहर से ताला लगा हुआ था। तड़के 4:30 बजे के आसपास दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पूरी दुकान में आग लग गई। दुकान पर बाहर से ताला लगे होने के कारण अंदर मौजूद मजदूर अंदर ही फंसे गए। आग की जानकारी होते ही मजदूरों ने तुरंत मैनेजर को फोन किया। तड़के 4:33 को अग्निशामक दल को आग लगने की जानकारी मिली। अग्निशामक की टीम फौरन 5 गाड़ियां लेकर घटनास्थल पर पहुंची। तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। लगातार कोशिश के 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया और 5 मजदूरों की जलकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस जानकारी में जुटी है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।